आगे बढ़ते हैं। कनाडा सरकार के बयान पर भारत सख्त नजर आ रहा है। कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है और 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने की बात कह दी है। भारत ने कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित किया है और 19 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने की बात भी उन्होंने कह दी है। आपको बता दें कि भारत में कनाडा के जिन राजनयिकों को निष्कासित किया गया है उसमें कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी मैरी कैथरीन जोली, फर्स्ट सेक्रेटरी सचिव लैंड्रॉस डेविड ट्राइटस, इसके अलावा फर्स्ट सेक्रेटरी एडम जेम्स, फर्स्ट सेक्रेटरी पाउल और जुएला का नाम शामिल है। कि वो सभी 6 राजनयिक जिन्हें निष्कासित किया गया है और 19 अक्टूबर को भारत छोड़ने की बात कह दी गई है। कनाडा के दिए गए बयान पर कनाडा के खिलाफ भारत की सख्ती नजर आ रही है। 6 राजनयिक निष्कासित किए गए हैं और 19 अक्टूबर रात 12 बजे तक देश छोड़ना होगा। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित किया गया है। निज्जर के मामले में कनाडा के बयान पर भारत की सख्ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये सख्ती इसलिए भी है क्योंकि जो दुख दो तरफा रुख रहा कनाडा का उसको लेकर के एक्शन कनाडा के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन। 6 राजनयिक निष्कासित, 19 अक्टूबर तक देश छोड़ना होगा। निज्जर विवाद, झूठी बयानबाजी और राजदूतों की सुरक्षा देखते हुए भारत के रिश्ते तल्ख होते हुए नजर आ रहे हैं कनाडा के साथ। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर ने भारत को आतंकवादी घोषित किया था और इस बात को लेकर के भारत के लिए बड़ी बात है। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या हुई थी। इस हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स की सम्मिलितता के आरोप लगाए और उसी पूरे मुद्दे को लेकर के ये घमासान हुआ। तल्ख हुए हैं रिश्ते, इससे दोहराए नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन 19 अक्टूबर तक इन राजनयिकों को देश छोड़ना होगा।